कोई भी इतना कामयाब पॉलिटिकल स्टार्टअप नहीं हुआ है जितनी आम आदमी पार्टी, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस कमजोर हो रही है या इसके बारे में जिक्र हो रहा है, उस वैक्यूम को भरती हुई दिख रही है आम आदमी पार्टी। 10 साल के अंदर 2 राज्यों में सरकार बना ली है और राष्ट्रीय पार्टी का तमगा अब हासिल हो गया। आम आदमी पार्टी ने आज अपने मुख्यालय में इसका जश्न भी मनाया। चुनाव आयोग के ताजा फैसले के मुताबिक देश में अब सिर्फ 6 राष्ट्रीय दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीएम, नेशनल पीपल्स पार्टी और अब आम आदमी पार्टी। चुनाव आयोग ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2014 से अब तक 21 विधानसभा चुनाव के आधार पर यह फैसला लिया है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिल रहा है, वो दर्जा छीन लिया गया। कांग्रेस और बीजेपी के बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जिसकी कम से कम 2 राज्यों में सरकारें हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे एक ऐतिहासिक लम्हा बताया। इस देश के लिए अगर शहीद हो जाए तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। देश के उन सब करोड़ों लोगों को सलाम जिन लोगों ने इतने कम समय में आम आदमी पार्टी पे इतना विश्वास किया, इतनी बड़ी हमको जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय पार्टी बनने की जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि यह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम लोग पूरी कर पाए, ऐसा हमें ताकत दें, हमें सद्बुद्धि दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से शुरू हुआ यह सफर एक राष्ट्रीय पार्टी तक कैसे पहुंचा, इस पर और इस पूरे सफर के गवाह हमारे सहयोगी शरद शर्मा थे और वो ये रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इस पार्टी को कवर करना शुरू किया था। तब से लेके अब तक का सफर शरद शर्मा की जुबान। 5 अप्रैल 2011 दिल्ली के जंतर मंतर पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। इस आंदोलन में मजबूत लोकपाल कानून की मांग की जा रही थी, इसलिए इसे लोकपाल आंदोलन भी कहा गया। इसके प्रमुख नेता थे अन्ना हजारे, वो आमरण अनशन पर बैठे थे, इसलिए इसे अन्ना आंदोलन भी कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे 3 अहम चेहरे थे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और किरण बेदी। सरकार को गिराना ये हमारा मकसद नहीं। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ लोग जुटे हैं और खास तौर से ये भीड़ पैसे देकर जुटाई हुई नहीं लग रही। सरकार और टीम अन्ना में बातचीत टूटी तो अप्रैल के बाद लोकपाल आंदोलन रामलीला मैदान में हुआ। ये आंदोलन पहले से इतना बड़ा हो गया कि तत्कालीन मनमोहन सरकार को झुकना पड़ा। तत्कालीन मनमोहन सरकार वादे के मुताबिक मजबूत लोकपाल कानून लेकर नहीं आई तो जुलाई 2012 में अरविंद केजरीवाल खुद आमरण अनशन पर बैठ गए। बात फिर भी नहीं बनी तो तय हुआ कि अब राजनीतिक दल बनाया जाए, अपनी सरकार बनाकर खुद लोकपाल कानून लाया जाए। ये कहना है कि हम अभी तक घेरने गए ही नहीं है, अब घेरने जाएंगे और एक बार फिर से सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि मैं दोबारा आ रहा हूं 11 बजे, आप रोक सके तो रोक लीजिएगा। दिल्ली विधानसभा के पहले ही चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सबको चौंका दिया। दिल्ली में 15 साल से सत्ता पर काबिज शीला दीक्षित सरकार की विदाई हो गई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 28 सीटें जीत ली और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। भारत माता की, भारत माता के, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सबको चौंकाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो कामयाबी हासिल नहीं हुई। दिल्ली में पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन कोई कमाल नहीं कर पाए।
केवल पंजाब से 4 सीट जीतने में आप कामयाब रही। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब अगले कुछ दिन आम आदमी पार्टी चिंतन मंथन करके इस बात पर चर्चा करेगी कि आखिर उसकी इस हार का असली जिम्मेदार है कौन। 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव फिर हुए, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा और 70 में से 67 सीटें जीत ली। अंदर एक डर भी लग रहा है, इट्स वेरी स्कैरी, जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, अरविंद केजरीवाल नहीं है, ये एक अलग तरह की राजनीति है। हम देवन से कह रहे हैं कि हम राजनीति को बदलने आए हैं। इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए जहां जिंदगी का सवाल था, वहीं बीजेपी के लिए इज्जत की लड़ाई था। लेकिन शायद दिल्ली वालों ने जिंदगी को इज्जत से बढ़कर माना और इसलिए पूरी दिल्ली ने बोला 5 साल केजरीवाल। पार्टी की दिल्ली की ऐतिहासिक जीत को महीना भर भी नहीं हुआ था कि आपसी मनमुटाव और दोनों तरफ से आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेताओं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को निकाल दिया गया। मार्च 2017 में आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी तो बनी, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। जीत की भी एक कीमत होती है, हार की भी एक कीमत होती है। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी हार गई है तो उसको ये डर लग रहा है कि कहीं इन चुनावों का नकारात्मक असर कहीं दिल्ली नगर निगम चुनावों पर तो नहीं पड़ेगा। पंजाब विधानसभा चुनाव और दिल्ली नगर निगम चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास में मतभेद सामने आए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कुमार विश्वास केजरीवाल का तख्ता पलट करना चाहते थे। मेरा कहना यह है, अब कहा जा रहा है कि मैंने भी बयान दिया, जबकि कुमार विश्वास का आरोप था कि पार्टी केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से गलत है। व्यक्ति पर मैंने दिया था वो कुमार विश्वास की आवाज नहीं थी, वो देश के हर नागरिक की आवाज थी। और मैं दो बातें साफ करना देना चाहता हूं, अगर देश की आवाज राष्ट्र की आवाज आगे लाने के लिए मुझसे पार्टी संगठन कोई भी नाराज होगा, कोई सरकार कोई व्यवस्था, तो मैं आवाज बंद नहीं करूंगा, मैं लगातार बोलूंगा। फरवरी 2020 में अरविंद केजरीवाल 70 में से 62 सीट जीतकर तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है जिसका नाम है काम की राजनीति। मार्च 2022 में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 117 में से 92 सीट जीतकर अब तक का सबसे बड़ा बहुमत हासिल किया। जिस समय आम आदमी पार्टी ने अपना दूसरा राज्य जीता, उस समय बीजेपी और कांग्रेस के बाद केवल आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी थी जिसकी दो या उससे ज्यादा राज्यों में सरकार हो। दोस्तों, आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है, हम सब लोगों को संकल्प लेना, एक नया भारत बनाएंगे। वंदे। 1960 से लेके आज तक गोवा में जितनी भी सरकारें आई, आम आदमी पार्टी ने 2022 में गोवा में अच्छा प्रदर्शन किया और राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा हासिल किया और फिर गुजरात में भी 5 विधायक जीत गए। ऐसे ही चलेगा सब कुछ, एक बार नई पार्टी, नए चेहरे, नए आइडियाज, नई राजनीति हो, बधाई हो। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के इतिहास में 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा हासिल किया, इसलिए वो अब राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल पिछले 12 सालों में कहां से कहां पहुंच गए, ये उसकी एक छोटी सी झलक थी मेरी नजरों से, मेरी रिपोर्टिंग से, मेरी याददाश्त से। यकीन मानिए कि आज ही इस बात का एहसास हुआ कि मुझे अरविंद केजरीवाल को कवर करते हुए 12 साल का वक्त बीत चुका है। 5 अप्रैल 2011 वो दिन था जब मैं पहली बार अरविंद केजरीवाल से जंतर मंतर पर मिला था। उस समय वो लोकपाल आंदोलन के लिए आए थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन आज अप्रैल 2023 में अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बन चुके हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो वो हैं ही। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।